देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 को लेकर आज अहम बैठक लखनऊ में होनी है। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री पद पर फिर से ताजपोशी होगी। 25 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण करेंगे। 25 मार्च को शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण से पहले आज विधायक दल की होगी बैठक। 24 मार्च को बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक। आज शाम 4 बजे लोकभवन में विधायक दल की होगी बैठक। 25 मार्च को होगा योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। 25 मार्च को शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण से पहले आज विधायक दल की होगी बैठक। शाम 4 बजे होगी विधायक दल की बैठक। 24 मार्च को बीजेपी विधानमंडल की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज शाम 4 बजे लोकभवन में विधायक दल की होगी बैठक। इस खबर पे हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता नितिन कुमार जुड़ चुके हैं। नितिन, ताजपोशी की तैयारी पूरी हो चुकी है, तो वहीं आज विधायक दल की बैठक होनी है। क्या कुछ देखने को मिलेगा इस बैठक में? देखिए, आज ये विधायक दल की जो बैठक है ये लखनऊ के लोकभवन में होनी है, जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय है, और इस वक्त हम वहीं पर मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद ये जो विधायक दल की बैठक है ये शुरू हो जाएगी, और इसमें सबसे अहम बात है कि उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक, बीजेपी के सीनियर लीडर और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद होने वाले हैं। यही वो पीछे वो सभागार बनाया गया है जहाँ पर अमित शाह आएंगे और सभी जितने भी मौजूदा बीजेपी के विधायक हैं जीते हुए, वो सब यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और एक जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ये है कि विधायक दल के नेता को आज चुना जाना है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पिछले 5 साल का कार्यकाल जो है वो बिता चुके हैं, और आज की बात करी जाए तो आज हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बिल्कुल देखिए इसी हॉल के अंदर जो बैठक है वो बैठक होनी है, और इसी बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पर्यवेक्षक अमित शाह जो है वो विधायक दल का नेता चुनेंगे। सभी जो विधायक हैं, मौजूदा 270 करीब विधायक हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और जितने भी सहयोगी दल के विधायक हैं, बीजेपी के गठबंधन में जो भी राजनीतिक दल, जो भी पार्टियां शामिल हैं, उनमें जितने भी जीते हुए विधायक हैं, जिसमें अपना दल हो गए या फिर संजय निषाद की निषाद पार्टी हो गई, इन सभी के जो जीते हुए विधायक हैं उन सभी विधायकों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, और 2 बजे का समय बताया गया है। कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, यही वो सभागार है जिस सभागार के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके जो जीते हुए विधायक हैं बीजेपी के, वो सारे विधायक मौजूद रहेंगे, और उन विधायकों की जो अहम प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो आज विधायक दल का नेता चुने जाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पूरा किया जाएगा। अमित शाह भी इसमें मौजूद रहेंगे, संगठन के कई सारे सीनियर लीडर जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे जो कि पूरे चुनाव के दौरान प्रभारी बनाए गए थे, वो भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं, और उनकी जो आने की जो प्रक्रिया है वो भी लगभग शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। नितिन, उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में डिप्टी सीएम को लेकर भी जो सस्पेंस है वो खत्म हो सकता है, तो कौन कौन इस लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है? देखिए, अगर क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह होना है और शपथ ग्रहण समारोह की जो तैयारियां हैं वो लगभग बड़े पैमाने पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। एकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होना है, और पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजधानी लखनऊ को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। लोगों तक ये संदेश पहुँचाया जा रहा है कि जो शपथ ग्रहण समारोह है वो कल होना है, और अगर मंत्रिमंडल की सूची की बात की जाए तो अभी उस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए तो पिछली बार के मुकाबले इस बार उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें मौजूदा करीब 11 ऐसे मंत्री थे जो अपना चुनाव हार गए थे। खुद किशोर प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है वो भी हार गए थे, तो कहीं ना कहीं उन चीजों की भी भरपाई होनी है। उत्तर प्रदेश में कितने डिप्टी सीएम होंगे, कहीं ना कुछ जगहों पर 3 की बात चल रही है, कुछ जगहों पर 2 की बात चल रही है, लेकिन 24 के चुनावों को देखते हुए पूरा जो जातिगत समीकरण है उस जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश की जाएगी, ताकि 24 का जो चुनाव है उस 24 के चुनाव को भी देखते हुए सारी चीजों को बेहतर स्थापित किया जाए, और जनता तक ये मैसेज पहुंचे कि जो नेता हारे हैं या फिर जो भी मंत्री हारे हैं उनकी भी भरपाई करी जा सकती है, और उनको कैसे काम में लाना है, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि जितने भी मंत्री हारे हैं उन्हें भी संगठन के काम से पार्टी में लगाया जा सकता है या फिर विधान परिषद के रास्ते उत्तर प्रदेश की सरकार में प्रवेश कराया जा सकता है। इस तरह के जो अहम कदम है वो बीजेपी आने वाले दिनों में उठाएगी, लेकिन अभी जो सबसे अहम चर्चा वो यही है कि आज विधायक दल का जो नेता चुना जाना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, औपचारिक रूप से अभी तक वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे, क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद करीब 25 दिन के बाद कल शपथ ग्रहण होनी है नतीजे आने के 25 दिन के बाद, तो अब ये देखना होगा कि अब से थोड़ी देर बाद ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आने वाले हैं, धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर रहेंगे, संगठन मंत्री सुनील बंसल मौजूद रहेंगे, बीजेपी के जितने भी जीते हुए विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे।
और सबकी सर्वसहमति से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज विधायक दल का जो नेता है वो चुना जाएगा। जी नितिन, दो तरह की बातें चल रही है, एक तो ये कि जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हारे तो उनको रिप्लेस करने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ ही दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, तो ऐसा भी माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य भी दोबारा डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, तो क्या ऐसा संभव है या फिर किसी नए चेहरे को मौका दिया जाएगा? और दूसरी चीज ये कि जिस तरह से इससे पहले भी हमने देखा पिछले कार्यकाल में केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, दो ऐसे चेहरे जो कि मौर्य और शर्मा दो चेहरे आ रहे, दो समाज से आ रहे थे, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा? बिल्कुल, साफ तौर पर इस बार भी इसी तरह से देखने को मिलेगा, क्योंकि अब बीजेपी की पूरी कोशिश है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को फतह कर लिया और अब 24 की लड़ाई उनके सामने है। 24 की लड़ाई को देखते हुए जो जातिगत समीकरण भिड़ाने हैं उसमें कहीं ना कहीं पूरी जो कोशिश है वो बीजेपी की तरफ से विधानसभा चुनाव की शुरुआत से ही रही है, चाहे वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करना हो, चाहे फिर चाहे वो किसी बड़े नेता के विकल्प में किसी दूसरे नेता को खड़ा करना हो, चाहे हम देखें अगर जिस तरह से जो मायावती हैं, मायावती के विकल्प के रूप में बेबी रानी मौर्य को उत्तर प्रदेश में ला करके सक्रिय किया गया, वो जीती भी हैं, विधायक भी बनी हैं। इसके अलावा आप केशव प्रसाद मौर्य पर सवाल कर रही थी शिखा, तो मैं भी यहाँ पर बता दूं कि केशव प्रसाद मौर्य अभी भी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के रूप में हो सकते हैं और कहीं ना कहीं उस पर भी विचार विमर्श और चर्चाएं चलेंगी। मैं शिखा आपको यहाँ पर रोकना भी चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रजा रिजवी साहब मौजूद है और मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि कितना अहम हो सकता है कल का जो शपथ ग्रहण समारोह है। सर, कल शपथ ग्रहण समारोह है और इस शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए क्या रणनीतियां बनाई गई हैं, कौन कौन से चेहरों पर मुहर लगभग लग सकती है जो अनुमान लगाए जाए? देखिये, उत्तर प्रदेश का ये विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहा है और जाहिर सी बात है अगर देखा जाए कि उत्तराखंड में पुष्कर धामी नहीं जीते हैं तब भी उनको जो है चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, तो अगर अब केशव मौर्य की बात करेंगे तो अगर वो आंकड़ा लेते हैं वहाँ वाला उत्तराखंड वाला, तो वो आंकड़ा यहाँ भी बहता है कि डिप्टी सीएम में उनको लिया जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जब इससे पहले चीफ मिनिस्टर थे तो वो चीफ मिनिस्टर जब आए थे तो वो फिर उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री नहीं थे, वो एज ए मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट थे। लेकिन जब दोबारा चुनाव हुआ तो 5 साल उन्होंने जो है वो पूरा मुख्यमंत्री तो काल उन्होंने बिताया और 5 साल उत्तर प्रदेश में अपने कार्यों को बता करके लोगों के बीच में अपने उनके दिलों पे सिक्का जमाया उन्होंने और उसका कारण था कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आई। तो अब कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उस गठन में योगी आदित्यनाथ का भी विचार महत्वपूर्ण तरीके से रखा जाएगा, हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानेगी। और अगर देरी जो हो रही है कि आप समझिए 10 तारीख को हो गई है, 25 तारीख को शपथ ग्रहण है, कम से कम 15 दिन का समय लग रहा है, कभी कभी इतना लंबा समय लगता नहीं था। इससे पहले जो है समाजवादी पार्टी जब सरकार अखिलेश बने थे चीफ मिनिस्टर उसमें 12 दिन का समय लगा था, लेकिन इसमें लगभग 15 दिन का समय लगा, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मंत्रिमंडल की जो लिस्टें हैं वो लिस्ट आती है जाती है हटती है, नाम जोड़ते हैं नाम घटाए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं सही चीज़ है। लेकिन हमें लगता है इस मंत्रिमंडल में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का अपना विचार पूरा चलेगा क्योंकि वो 5 साल लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। कौन से मंत्रिमंडल में जो मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर रहे उन्होंने सहयोग दिया, कौन लोगों ने सहयोग नहीं दिया, कौन लोगों ने काम अच्छा किया प्रदेश में, कौन लोगों ने प्रदेश में अच्छा काम नहीं किया, ये होगी। 11 मंत्री जो हैं वो हारे भी हैं तो उन पर भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया जाएगा कि उनकी भरपाई कैसे करें। देखिए, हमें जो सूत्र से पता चल रहा है उसमें कम से कम 2 ऐसे लोग हैं कि जो ना MLC हैं ना MLA हैं, लेकिन वो मंत्रिमंडल में जरूर जाएंगे। नाम बताना नहीं चाहूँगा मैं, वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन 2 ऐसे चेहरे हैं कि जहाँ ना MLA हैं ना MLC हैं, लेकिन वो मंत्रिमंडल में जरूर जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। तो ये है कि बहुत अच्छा मंत्रिमंडल होगा और एनर्जेटिक मंत्रिमंडल होगा और यूथों की संख्या काफ़ी होगी, अच्छी संख्या होगी और महिलाएं भी जीत के आई हैं काफ़ी संख्या में। अब की विधानसभा 2022 में कम से कम 47 महिलाएं जीत करके आई हैं, ये बड़ी बात है। इससे पहले 2017 में 42 महिलाएं जीती थी और 2 बाई इलेक्शन में आई थी तो वो 44 हो गई थी। इस वक्त 47 महिलाएं जो है MLA आई हैं तो महिलाओं का भी प्रतिशत कुछ ना कुछ बढ़ा है, 42-44 से लेकर 47 आई हैं, तो बहुत अच्छा एनर्जेटिक मंत्रिमंडल होगा। और इसमें जो है वो ये है कि जो मैनिफेस्टो दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, अब वो संकल्प पत्र को जो है वो जारी करना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ को चुनौती के रूप में लेती है। उसका एक बेहतरीन कारण ये था कि यहाँ मुख्यमंत्री जी जो है वो आदरणीय जो है प्रधानमंत्री जी शाम को जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर जो है मीटिंग करते हैं और सवेरे ही वो पहुंच जाते हैं जो है गुजरात के अंदर, जबकि गुजरात में दिसंबर में चुनाव है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कई लेवल पे आंकलन होता है।
हाँ यही कमी विपक्ष में रहती है कि विपक्ष अभी सोच भी नहीं पाता है गुजरात के चुनाव के बारे में और गुजरात के लिए वहाँ रोड शो हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत समझदारी से काम करती है, बहुत रणनीति से काम करती है और समय पे करती है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो मंत्रिमंडल होगा बहुत निर्णायक होगा और सबको साध के रखेंगे। साधने वाली बात मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, भारतीय जनता पार्टी लोग कहते हैं 2024 को सोच के, 2024 को सोच के, कतई नहीं। जब 6 महीना चुनाव रह जाएगा तब भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटजी करेगी, उसमें मंत्रिमंडल में किसको रखना है, किसको बढ़ाना है, किसको घटाना है। हुआ है भी 2022 में, आपने देखा होगा केंद्र में जो है मोहनलालगंज से कौशल किशोर को ले गए, पलटू राम को जो है वहाँ बलरामपुर से ले गए। तो 6 महीने पहले उन्होंने देखा और एक्सरसाइज किया और एक्सरसाइज में वो कामयाब रहे, उनको वोट भी उस तरीके से मिला। तो ये जो कहना कि अब 2024 की रणनीति सोच के भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल में करेगी, मंत्रिमंडल तो हटाती भी है। धर्मपाल सिंह हटाए गए, सिंचाई मंत्री पता है कहाँ है, वित्त मंत्री आपके हटाए गए, बीच कार्यकाल में हटाए गए। तो भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस तो हटाए भी जाते हैं और जोड़े भी जाते हैं। निकले तो रजा रिजवी साहब हमारे साथ थे शिखा, और साफ तौर पर उन्होंने बताया कि 24 की रणनीति पर अगर बोला जा रहा है कि 24 की रणनीति को लेकर के मंत्रिमंडल का बनाना है, उसी तरह से अपनी टीम सेट करनी है, तो ये एक कारण है। लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने पिछले कार्यकाल में कुछ ऐसे मंत्रियों को बीच कार्यकाल से हटाया भी था। हम आपको तैयारियों का जायजा भी दिखाएंगे शिखा, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। लोक भवन में इस वक्त अलग अलग जो क्षेत्र हैं के विधायक हैं उनकी जो अलग अलग जो टेस्ट है वो भी बनाई गई है। आप बिल्कुल देखें यहाँ पर गोरखपुर क्षेत्र के जितने भी विधायक हैं, काशी क्षेत्र के, अवध क्षेत्र के, कानपुर क्षेत्र के, अलग अलग जो क्षेत्रों के विधायक जीते हुए आए हैं उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद उनको आगे के लिए एंट्री की जाएगी। तो ये तैयारियों का सिलसिला जो है इस वक्त चल रहा है और कुछ इक्का दुक्का विधायकों का जो आने का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। शिखा तो हमने देख ली, नितिन हम बात कर रहे थे डिप्टी सीएम की, डिप्टी सीएम में दो नाम और भी आगे आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बाद अगर बात करी जाए बेबी रानी मौर्य, जो कि उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं, महिला भी है। जिस तरह से इस बार हमने चुनाव में देखा कि महिलाओं को लेकर सभी पार्टियां काफी सतर्क नजर आई है, उनको साधने की पूरी कोशिश की गई है, एक अच्छा वोट बैंक रहा है महिलाओं का। तो बेबी रानी मौर्य के नाम पर भी क्या अनुमति मिल सकती है, क्या उन्हें भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है नितिन, क्योंकि मौर्य समाज से आती है प्लस वो महिला भी है, पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी है, तो क्या उनके नाम पे मुहर लग सकती है? देखिए ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी कि किसके नाम पर मुहर लगनी है, किसके नाम पर मुहर नहीं लगनी है। हालांकि एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कल सुबह का समय निर्धारित किया गया है, कल 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर जो भी मंत्री बनाया जाएगा, जितने भी लोगों का नाम शामिल है उनको मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। कल 10 बजे का समय जो है वो निर्धारित हुआ है, लेकिन अभी ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी कि किसको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, किसको नहीं बनाया जाएगा। कोशिश बीजेपी की तरफ से रहेगी कि अगर कोई हारा भी है, जैसे कि हमने उत्तराखंड में भी देखा कि पुष्कर धामी चुनाव हारे भी थे लेकिन उसके बावजूद उन्हें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो यहाँ पर यह कह पाना मुश्किल है कि केशव प्रसाद मौर्य को हटाया जाता है कि नहीं हटाया जाता है। दूसरी चीज एक अहम यहाँ पर यह भी है कि केशव प्रसाद मौर्य जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बने थे तब वो विधायक नहीं थे, तब वो विधान परिषद के सदस्य के तौर पर वो उन्होंने अपना कार्यकाल 2 साल का अब तक निभाया हुआ है और अभी 3 साल का जो कार्यकाल है वो बचा हुआ है। पहले वो सांसद थे, उसके बाद वो MLC बने और अभी भी MLC के उनके 3 साल का जो कार्यकाल है वो बचा हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जब 3 साल का जो कार्यकाल बचा हुआ है उस कार्यकाल में भी केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम कंटिन्यू कराया जा सकता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं जो गणित है वो भिड़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फाइल एनलिस्टिंग क्या होगी, कल किसके नाम पर मोहर लगती है, किसके नाम पर नहीं लगती है, क्योंकि अगर बेबी रानी मौर्य को लाया जाएगा तो हाँ ये भी है कि वो एक SC फेस हैं, फीमेल फेस हैं और मायावती के विकल्प के रूप में उन्हें देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और इसी वजह से उन्हें गवर्नर के पद से हटा करके MLA का चुनाव लड़ाया गया और फिर उसे उन्हें उत्तर प्रदेश लाया गया है यहाँ पर, ताकि वो उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो सके और कहीं ना कहीं जो मायावती हैं उनके विकल्प के रूप में उन्हें खड़ा किया जा सके SC वोट के लिए। तो ये सारी जो गुड़ा गणित है बीजेपी ने चुनाव से पहले ही खड़ी की थी और वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हुई है, लेकिन अब फाइनल लिस्टिंग कौन होगी, कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा, कौन ये जो मंत्री पद की कुर्सी है उस पर विराजमान होगा, ये कल कहीं ना कहीं सारी तस्वीरें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जी अगर बात करें तैयारियों की तो इस वक्त कैसी तैयारियां देखने को मिल रही है, कौन कौन मौजूद है इस वक्त बैठक से पहले? देखिए बैठक की बात करी जाए तो मैंने अभी वो कमरा आपको दिखाया था कि जहाँ पर ये बैठक होनी है और
मैं फिर वहीं पर आपको लेकर चलता हूं। अभी कुछ ज़्यादा लोग यहां पर नहीं आए हुए हैं, कुछ ही चुनिंदा लोग आए हुए हैं। पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो पूरी लगी हुई है, दरवाजे पर पूछने के बाद ही अंदर भेजा जा रहा है, बिना पूछे किसी को भी अंदर नहीं भेजा जा रहा है। और कुछ विधायकों को जो समय निर्धारित किया गया था, क्योंकि कहा गया था कि जो जितने भी गठबंधन के जीते हुए विधायक हैं, चाहे वो अपना दल के हो गए हों या फिर आपके निषाद पार्टी के हो गए हों, इन विधायकों को बोला गया था कि 2 बजे करीब आ जाइए। तो 2 बजने का भी समय लगभग हो चुका है और धीरे धीरे अब विधायकों को जो आना जाना है वो भी शुरू हो जाएगा यहाँ पर। और अब थोड़ी देर बाद जब गृहमंत्री अमित शाह, क्योंकि 4 बजे का समय है, गृहमंत्री अमित शाह आएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और उसके बाद जो औपचारिक प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी, जिसमें विधायक दल के नेता के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा। जी, जिस तरह से अतिथि आने हैं, जिन लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, ऐसा माना जा रहा है कि कई अतिथि आज ही आ सकते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहा है, खास इंतजाम क्या कुछ है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि कल की अगर बात करी जाए तो एक बड़ा अमला जो है वो उत्तर प्रदेश में मौजूद रहेगा, चाहे वो उद्योगपतियों की बात की जाए या फिर बॉलीवुड स्टार्स की बात की जाए या फिर लीडर्स की बात की जाए, पूरे देश के लीडर आने वाले हैं। कई बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री आएंगे, मंत्री आएंगे, इसके अलावा संघ के कई सारे बड़े सीनियर नेता आने वाले हैं, केंद्र का पूरा मंत्रिमंडल आने वाला है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जितने भी सीनियर लीडर रहेंगे वो मौजूद रहेंगे, बीजेपी से जीते हुए विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे, सांसद विधायक मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो अनिल अंबानी हैं उन्हें भी निमंत्रण भेजा गया है, गौतम अडानी को भी निमंत्रण भेजा गया है, अक्षय कुमार, अजय देवगन, कंगना रनौत, इन सबको निमंत्रण भेजा गया है। और सूची जो है वो बहुत लंबी है, इन सभी को निमंत्रण भेजा गया है और निमंत्रण के बाद लोगों का आने का जो सिलसिला है वो भी लगभग आज से ही शुरू हो जाएगा। तो वो उनको कैसे लाना है, कहाँ पर स्थापित करना है, कैसे सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है, इसका जो खाका है वो पहले से ही तैयार कर लिया गया था। और अगर हम शपथ ग्रहण समारोह की बात करी जाए तो इकाना स्टेडियम में ये शपथ ग्रहण समारोह होना है, वहाँ पर भी जो तैयारियों का सिलसिला है वो बीते 4-6 दिनों से लगभग चल रहा था। एक बहुत बड़ी LED स्क्रीन भी वहाँ पर लगाई गई है, पूरे इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की जो कोशिश है वो पूरी चल रही है, ताकि इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया जाए, भव्य बनाया जाए। प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, गृहमंत्री मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे, संघ के कई सारे बड़े नेता मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे, उनके मंत्रिमंडल के करीब अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आई है ये करीब 47 मंत्रियों का नाम अब तक फाइनल हुआ है और कुछ कल भी बढ़ाए जा सकते हैं जिनको मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं पूरे कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जिलों में पूजा पाठ के आयोजन किए जाएंगे, जगह जगह पर चौराहों पर बैनर पोस्टिंग होर्डिंग लगाई गई है, ताकि लोगों तक संदेश पहुंचे कि बीजेपी ने 37 साल बाद एक बड़ा रिकॉर्ड स्थापित किया है और उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि 37 साल बाद कोई राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में अपनी फिर से सरकार बना रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। तो जगह जगह पर होर्डिंग बैनर्स लगा करके भी उसके जरिए संदेश देने की जो प्रक्रिया है वो लगभग चल रही है। नितिन, जिस तरह से धर्म और आस्था को लेके चलते हैं योगी हो या फिर मोदी हो, दोनों ही, तो क्या इस शपथ ग्रहण समारोह में कई साधु संत और सन्यासी, इनको भी निमंत्रण भेजा गया है? हाँ, बिल्कुल साफ तौर पर अयोध्या का जिक्र आ रहा है कि अयोध्या में करीब 2000 साधु संतों को जो निमंत्रण पत्र है वो भेजा गया है और 2000 साधु संतों के लिए जो आने की व्यवस्था है और यहाँ पर उनको शपथ ग्रहण समारोह में शामिल कराने की व्यवस्था है, उस पर भी पूरा जोर दिया गया है। और करीब 2000 साधु संत जो हैं वो कल इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, जो कि इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी होने वाले हैं। और इसके अलावा भी कई गणमान्य व्यक्तियों को, कई फेमस पर्सनालिटीज़ को निमंत्रण पत्र जो भेजा गया है। इसके अलावा विपक्ष के नेताओं को भी निमंत्रण पत्र जो है वो भेजा गया है, जिसमें अखिलेश यादव हो गए हों या फिर सोनिया गांधी हो गई हों, प्रियंका गांधी हो गई, इन लोगों को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया है कि इस कार्यक्रम में आइए, शिरकत करिए और शपथ ग्रहण समारोह में जो बीजेपी की जो जीत हुई है उस जीत के जश्न में शामिल हों। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन जुड़े थे। तो आज डिप्टी सीएम को लेकर जो सस्पेंस है वो भी खत्म हो सकता है और साथ ही कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा दिन है बीजेपी के लिए। कल शपथ ग्रहण समारोह है सीएम योगी आदित्यनाथ का, दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभालेंगे योगी आदित्यनाथ। शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े चेहरे होंगे जो कि शामिल होंगे, कई दिग्गज हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है जिनके आने की कल संभावना है और सभी के आगमन के पहले ही तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
सभी को लाने ले जाने के बीच जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था है वो सब चाक चौबंद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े पोस्टर होल्डिंग लगाए गए हैं सबके, सबका स्वागत करते हुए, वो चाहे अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, कई बड़े चेहरे हैं जिनको आमंत्रण भेजा गया है, सभी मौजूद रहेंगे कल शपथ ग्रहण समारोह के बीच। इतना ही नहीं, बड़े मंदिरों के साधु संत से लेकर मठों के मठाधीश तक को निमंत्रण भेजा गया है इस कार्यक्रम में। बॉलीवुड से कई फिल्मी हस्तियां, डायरेक्टर, अभिनेता, अभिनेत्री, इनको भी निमंत्रण भेजा गया है। तो खास होने वाला है ये शपथ ग्रहण समारोह और कई दिग्गज कल जुटने वाले, कई बड़े चेहरों का कल जमावड़ा देखने को मिलेगा। कई बड़े उद्योगपति हैं जो कि कल शिरकत करेंगे सीएम योगी के इस शपथ ग्रहण समारोह में। आपको बता दें कि 10 मार्च वो तारीख जिस दिन ये रिजल्ट सामने आया कि किसकी सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन 25 मार्च यानी एक लंबा अंतराल लिया है तैयारियों के लिए। सभी राज्यों में जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश की बारी है। उत्तर प्रदेश में भव्य बनाने के लिए, इस तैयारियों के लिए एक समय लिया गया है, और जो समय लिया गया है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा कार्यक्रम भव्य बनाया जा रहा है। जगह जगह बीजेपी के झंडे देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टर देखने को मिल रहे हैं, एक तरह से पूरी जनता को आमंत्रित किया गया है। हालांकि जनता को इकाना स्टेडियम में जाने की अनुमति तो नहीं होगी, लेकिन घरों पे बैठ के अपनी टीवी स्क्रीन्स पे, एलईडी स्क्रीन्स पे, और बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई है ताकि हर एक इंसान इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह को देख सके। तो वहीं इकाना स्टेडियम में जो भी बड़ी हस्तियां मौजूद रहेंगी उनके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। तो सभी को निमंत्रण भेजा गया है। कल का दिन काफी भव्य होने वाला है, शानदार होने वाला है। कल शाम 4 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण करेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।